एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू का व्लॉग में एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आधा ठीक हूँ, आधा ठीक कभी नहीं हूँ। फेस से तो देखो, तीन बार से देखो फेस कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इधर भी पान मेरे मुँह में लगा हुआ है, इधर भी खा रही हूँ, पता नहीं क्या टॉफियाँ मेरे मुँह में लगी हुई हैं। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ क्या? सच में मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। मेरा फेस ना अजब भी शेप हो गई है। देखो, देखने में भी लग रही है ना, फेस की क्या शेप हो गई है वो मैं बता ही नहीं सकती। इधर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इधर की साइड में स्वेलिंग होती जा रही है। ये जो टॉन्सिल हो गए ना, कन्वर जो बोलते हैं, टॉन्सिल फूल रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल मेरी फेस की जो शेप है वो हो गई है चेंज, और मेरा मुँह जो है वो हो गया काफ़ी मोटा। मुझे खुद देखने में अजीब लग रहा है। और मैं स्कूल, पता है स्कूल जा रही हूँ तो कैसे जा रही हूँ, पूरे फेस को कवर करके यूँ इतना ऐसे करके ढक के ऐसे करके मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना चेहरा। दोनों साइड ऐसी, दोनों साइडें जो बढ़ रही हैं वो ऐसे। तो भाई, 3 दिन हो गए मेरे इस फेस को। दवा तो मैं ले आई हूँ और डॉक्टर ने बोला था कि कन्वर है, कुछ नहीं, इन्फेक्शन होता है, उससे थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाएगा। और सर्दी की वजह से ही हो रहा है। सर्दी तो मुझे बहुत, जब भी सर्दियाँ जाती हैं ना तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो जाता है मेरे साथ में। सर्दियाँ आने टाइम और जाते टाइम दोनों टाइम ही मेरे साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बस उसी का सामना मुझे करना पड़ता है हमेशा। सर्दी मुझे इतनी हो गई थी, इतनी भयंकर वाली सर्दी कि मैं बता नहीं सकती क्या हालत मेरी 4 दिन रही है, बहुत ही बुरी तरह से। फ्रेंड्स, चाय हमने पी ली है, अभी मैंने बनाई थी, गरम गरम चाय पी ली थी। और इसकी थोड़ी सी सिकाई वगैरह हो जाती है तो उससे भी ना आराम मिल जाता है, तो सिकाई भी मैंने की है। दवाई मेरी, देखो दवाई भी मेरी चल रही है, ये रखी हुई है, ये सारी टेबलेट वगैरह है। तो ये अभी इसमें 5 दिन की लेके आई थी, 3 दिन की मैंने इसमें से खा ली है, 2 दिन की दवा बची है। चाय वगैरह मैंने पी थी, बर्तन पड़े हैं इसमें। तो मम्मी पापा अभी बाहर हैं, दिव्यांश भी खेल रहा है, तो वो पापा गए हैं वॉक करने के लिए, दिव्यांश भी गया है और मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, तो वो अपना घूम रही हैं बाहर। तो शाम के टाइम ये लोग अपना ना वॉक कर लेते हैं और मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो कल तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरे से नहीं हुआ था कुछ भी काम वगैरह, 4 दिन से मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था। अब जाके कल शाम से मुझे राहत मिली है थोड़ा सा, सर्दी में भी फ़ायदा है और इसमें भी। पता, पहले से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था लेकिन कल से मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिला, मतलब 60% मुझे रिलीफ मिला है सर्दी में। तो चलो, ये है कि हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ्ता लग जाता है, तो चार दिन हो गए मुझे, 4 दिन में मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर रही थी थोड़ा सा काम, मम्मी बोल रही थी कि सब्जी बनाने के लिए, तो सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। मम्मी बोल रही थी या तो आलू गोभी बना ली या फिर ना आलू टमाटर की रसीली सब्जी बना लो। तो मैं सोच रही ना, सूखी सब्जी तो सुबह भी खाई थी हम लोगों ने, तो अभी क्या कि मैं थोड़े से 2-3 आलू ले लेती हूँ और रसीली सब्जी ही बना दूंगी। तो झाड़ू वगैरह लगानी है, कुछ कपड़े वगैरह पड़ने, मतलब शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम हो चुका है, शाम के बजे हैं अभी 4:30-5:30 बजे हैं। तो मैंने कि चलो सबसे पहले क्या करती हूँ कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ और सब्जी फिर बनाने रख दूंगी। तो आई होप कि आप लोग ना इस वीडियो में अच्छा लगने वाला है, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा एंड तक, तो स्किप नहीं करना। तो चलिए, मैं करना स्टार्ट करती थी अपना काम और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर कोई भी नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, मीनू का ब्लॉग के नाम से आप लोगों को हर जगह मेरा मिल जाएगा चैनल। तो जाइए फटाफट से आप लोग, जब तक वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिए टमाटर और हरी मिर्च, आलू, ज्यादा आलू नहीं लिए मैंने, 2-3 आलू हम लोगों के लिए बहुत रहते हैं, क्योंकि पापा आलू खाते नहीं है, कम खाते हैं शुगर की वजह से, पापा आलू का परहेज ही करते, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मेरे और मम्मी के लिए 2-3 आलू की सब्जी ना बहुत ज्यादा है, तो बस इतना ही मैं बनाऊंगी। और तीन मैंने इसमें से हरी मिर्च ले ली है। तो चलो, मैं फटाफट से ना इसकी सब्जी बना के कर देती हूँ इसको फ्री। तो इतना हो जाएगा कि जब तक ये सब्जी, पहले सोच रही कि मैं झाड़ू लगा दूँ, लेकिन मैं जब तक झाड़ू लगाऊंगी ना तो ये सब्जी हमारी बन के रेडी हो जाएगी, इसलिए इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा बिना बात के। तो एक काम ना इधर से फ्री करूंगी, दूसरा काम साथ के साथ खुद ही फ्री हो जाएगा। तो देखो, मेरे आलू भी कट हो गए, मटर में डालूंगी नहीं, सुबह मटर की चाट भी खाई थी और मटर आलू में से मुझे थोड़ा सा कम पसंद सब्जी में। Thank you.
हमारी फ्रेंड्स बन चुकी है सब्जी। और अब देखो वही है ना कि दो काम से एक काम का फायदा हो ही गया, सब्जी बनाने रख दी, मैं लगा देती हूँ फटाफट से आटा, क्योंकि आटा भी लगा दूं और उसके बाद में फिर लगाऊंगी बाद में एक साथ ही झाड़ू की सफाई भी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ना जब आटा छानते हैं तो छानने में ना उसकी जो हल्की हल्की सी धुआं टाइप से होता है ना आटे का, वो निकलता है तो वो नीचे जम जाता है। तो मैंने ग्रेस कर दिया सिलो और दो टमाटर निकाले थे लेकिन एक टमाटर डाल लिया क्योंकि टमाटर था बड़ा। तो मैं निकाल लेती हूँ आटा, तो फ्रेंड्स बिछा लिया है आटा और इसको मैं लगा भी देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स आटा भी मेरा लग गया और दिव्यांश भी आ गया, मम्मी भी आ गई, दोनों लोग आ गए बाहर से घूम के वॉक करने के लिए गए थे। ये वाली साइड ज्यादा ही मेरी मोटी हो रही है, ये वाला जो मेरे दो चार बर्तन पड़े हुए थे इनको कर दिया मैंने वॉश, बाकी के बाद में कर लूंगी। सब्जी बनाना भी जरूर चाहिए वो हो जाएंगे बाद में, और जब भी दोपहर की चाय वगैरह देते बस वो बर्तन पड़े हुए थे मैंने चल पाउडर। ऐसी उल्टी जगह फेंक के चला जाएगा, रखते रहो सारी चीजें चाहे खेलने की हो कुछ भी हो सारा देगा। नुमाइश देख के आया वहां से इतनी सारी चीजें लेके आया है और अपने यहाँ भी अभी फिर मेरा लगेगा अपने गांव में,
तो फिर से वहां पर इतना इसका रहता है भैया, इसकी शॉपिंग खत्म नहीं होती, खरीदारी इसकी खत्म नहीं होती ना। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे ना, मैं चलिए आपको बता दूं कि शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का मेला लगता है हमारे यहाँ पे। 8 मार्च की शिवरात्रि है और 8 मार्च को बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ पे ना कांवड़ चलाने के लिए भी आती है, जैसे कि हरिद्वार से और रामघाट से, यहाँ से वहां से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो मुझे नहीं पता कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी। लेकिन ये ना कि जो पापा मना कर रहे थे कि वहाँ इतनी थकान हो जाती है, इतना पैदल चलना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं पिछली साल भी मेरी कोशिश की कि मैं जाकर कांवड़ भर के लेके आऊँ, लेकिन पापा ने फिर मना कर दिया। तो दिव्यांश ने बोल दिया कि नहीं मैं भी आपके साथ जाऊँगा, बच्चे के साथ में जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई बहुत पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी से वो कुछ भी हो तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे के साथ में जाया जा सकता है, लेकिन नहीं। तो बहुत बड़ी कांवड़ चढ़ाई जाती है यहाँ पे, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पर इतना बड़ा मेला लगने वाला है 8 मार्च को, शिवरात्रि के पर्व पर। अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा जरूर। तो मैं फिर, अगर आप लोग सही आंसर देंगे तो मैं बताऊंगी कि आप लोग राइट बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, कि कहाँ लगने वाला शिवरात्रि का मेला 8 मार्च को। ये है हमारा अतरौली, अलीगढ़, और ये सारा इधर के राउंड पर ही आता है, बहुत ही निकले हुए भगवान जी हमारे यहाँ के, तो इंजॉय करने वाले हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोग हमारे अलीगढ़ से लोकल से हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ की कितनी मान्यता है, और जो भी चीज़ें मांगी जाती है, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें पूरी भी होती है। मेरी तो हर विश मेरी पूरी हुई है हमेशा, जो भी मैंने मांगी वो महादेव ने मेरी हमेशा पूरी की है। तो फ्रेंड्स यहाँ की करती है मैंने सफाई, बाहर की लगा देती हूँ झाड़ू, और उसके बाद मैं करूँगी फिर थोड़ा सा रेस्ट। फ्रेंड्स पूरा काम कर दिया मैंने, झाड़ू भी लगा दी, बर्तन साफ कर दिया, आटा लगा दिया, सब्जी बना दी, यहाँ तक कि मैंने घर का जितना भी काम है वो पूरा कर दिया है, और अभी बस खाना बनाना बाकी बचा है। तो खाना तो मैं बाद में बनेगा, अभी नहीं बनेगा। तो अभी खाई थी मैंने दवा दोपहर के टाइम की, तो मैंने खा ली थी, लेकिन स्कूल ज़्यादा टाइम दोपहर खाई थी, एक टैबलेट रह गई थी, क्योंकि काफ़ी मतलब ये मान लो 800 800 mg की टैबलेट थी, तो एक साथ नहीं खाई मैंने ना। पर जब ऐसे होता है जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम सी होने लग जाती है, अगर ज़्यादा एक साथ पूरी पूरी टैबलेट खा लो, डोज खा लो ना पूरा एक दिन, डॉक्टर तो बोल देते हैं एक टाइम में खा लो, लेकिन फिर प्रॉब्लम होने लगती है, सांस चलने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए मैं धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी दवा करके मैं अपना खा लेती हूँ। तो अभी दोपहर की 2 बार मैंने दवा खाई थी, तो खा ली नाइट की बची, तो रात में वो मैं खाऊंगी अपना सोते टाइम तक। तो चलिए मैं कर लेती थोड़ी देर, आधा 1 घंटा अपना रेस्ट, और उसके बाद में छोटे छोटे मोटे और भी काम है मेरे पड़े हुए, तो वो करूँगी, उसके बाद में फिर बनाऊँगी अपना खाना। मौसम का कुछ पता ही नहीं होता, गर्मी लगती है, अभी मौसम ठंडा हो जाता है, इस टाइम भी ये मान लो गर्मी ऐसी हो रही है, दिव्यांश तो बार बार बोलता है पंखा चला लूँ, मैं पंखा चला लूँ, मैं नहीं भाई बीमार हो जाऊँगी, ये सर्दी गर्मी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। लगती तो गर्मी है, लेकिन ये कि अगर पंखे वगैरह चला लो तो फिर ठंड लगती है, अचानक से ठंड लगती है, रात में तो मच्छर खेलते, तो मन करता है पंखा चला लो, पर ये फिर भी मैं बॉडी लगा देती हूँ हल्का सा, और क्या था एक रही है तो बॉडी भी जा रही है, ब्लैंकेट्स वगैरह हल्के हल्के कंबल निकले हुए हैं, तो वो अपने आराम से उड़ देते हैं, वही को होता है।
तो मैंने कर दिया दोबारा से सब्जी को गरम, और हाथ की डाल रही हूँ रोटियाँ पानी की, पनपति परोथन वाली नहीं डाल रही, जो कि फलकियाँ बोली जाती है वो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आटा मेरा हो गया था थोड़ा सा पतला, जिसकी वजह से ना रोटी के लिए परोथन चाहिए फिर बहुत ज़्यादा, तो लगाना ही पड़ेगा, वो चिपकती रहेंगी, इसलिए फिर मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, पतला जो आटा होता है ना तो तभी बनती है पनपति जो है हाथ की पानी वाली रोटी, तो वो अच्छे से मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैं पानी लगा के नहीं बनाती, मैं यूज़ करती हूँ फिर उसके लिए घी का। तो घी का मतलब कैसे बनाती हूँ, थोड़ा सा घी ले लेती हूँ हाथों पे और लोई के ऊपर ना लगा देती हूँ, तो जिससे कि वो चिकनाहट उनके ऊपर हो जाती है, बेलने में वो ना चिपकती नहीं है। बस ऐसे मैं बनाती हूँ, और ये देखो हमारी बन गई है गर्मा गर्म पनपति पानी की, और इसमें रखा जाता है घी। तो ये मैं लेकर आई थी मार्केट से, जब मैं गई थी ना रेलवे रोड के वाले मार्केट में, तो तभी लेकर आई थी मैं वहाँ। तो सबसे पहले तो मैं कर दूँ गैस को कम, और मैं लगाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए भोग। भोग लगाने के बाद मैं फिर सब लोग खा लेंगे, पापा को दे दूँगी, दिव्यांश खा लेंगे, सबसे पहले तो दिव्यांश को दूँगी, वो बोल के गया था अभी मम्मा रोटी दे दो, तो चलिए लगा देते हैं भोग। दूध कर दिया मैंने कम, और दूध भी मुझे गर्म करना है, अभी तो याद आ गया। तो इधर हो रहा है अंधेरा, लाइट को कर देते हैं ऑन सबसे पहले। आज सुबह की थी मैंने ही पूजा, सुबह सुबह उठी थी जल्दी, क्या हो गया ये एक्सप्लोर, सुबह उठी थी जल्दी और की थी फिर भगवान जी की पूजा, तो ये लगाते मैंने ठाकुर जी के भोग। तो चलिए, तो मैंने ना ये देखो हमारे भगवान जी के खास बात आप लोगों ने देखी, कि मम्मी हमेशा सभी को एक जैसे कपड़े पहनाती हैं, सेम टू सेम। तो देखो ठाकुर जी भी और सारे भगवान जी यहाँ पर रखे हुए, हमारे शनिदेव जी जो कि ब्लैक कलर के अपनी ड्रेस पहने हुए हैं। तो सुबह की थी मैंने पूजा, क्योंकि जो हमारे चाचा जी हैं तो उनकी उनके बेटे की बेटी हुई थी, तो घर में हो रखी है सोवर, और उसकी वजह से घर वाले नहीं कर सकते पूजा पाठ, मतलब कि कुछ भी नहीं होता है तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं दूसरे घर से हूँ कहते हैं ये लोग, लेकिन जो भी है लेकिन हम लोग कर सकते हैं। मतलब शादी से पहले अगर शादी नहीं होती है तो लड़कियाँ नहीं करती हैं पूजा अपने घर में, कोई भी चीज़ हो जाती है, और जैसे शादी हो जाती है तो शादी के बाद में हम लोग यहाँ की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान जी हमारे लिए ठीक है, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम पराए घर से बोला जाता है, जो आपको समझ में आ रही हो। तो मुझे आधी चीज़ें समझ में इन लोगों की नहीं आती है, जो कि एक चीज़ें होती हैं, लड़की होती है शादी के बाद दूसरे घर की हो जाती है, और यहाँ की नहीं, भाई जहाँ का जन्म है लड़की वहीं की होती है, दूसरे घर की शादी होने के बाद में कोई किसी के घर के बाहर का नहीं होता। मेरे जो मेरी सोच है ना वो तो एकदम मैं आप लोगों को बता दूँ, भाई शादी के बाद में जो कहते हैं ना शादी के बाद में, शादी के बाद जो घर होता है लड़की का वो घर होता है, तो ये भ्रम है, बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। शादी के बाद जो घर होता है वो कभी नहीं होता, बहुत जो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है वो सिर्फ उन्हीं को अच्छा मिलता है, उन्हीं का घर वो होता है, वरना अगर कभी भी लड़की से कोई भी चीज़ होती है ना तो कुछ घरों में देखा है यूं ही निकाल देते हैं, कर देते हैं, और तो भाई वो घर कहाँ रहा उसका लड़की का, इतने अच्छे से अरमानों से सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं करते, उसको ये हमको यही नहीं पता कि हम इस घर से कब निकाल दिए जाएंगे, क्या होगा। तो भाई मैं नहीं मानती कि हमारा कोई भी लड़कियों का कोई घर है, घर होता है तो अपना मायके का घर होता है, क्योंकि वहाँ पे जिंदगी भर लाइफ टाइम के लिए आप वहाँ रह सकते हैं, उसको अपना घर हक से बोल सकते हैं। ससुराल को कोई अपना घर नहीं बोल सकता, वहाँ का कोई भरोसा नहीं, उन लोगों को खिलाते रहो पिलाते रहो, उनकी तरह की सारी चीज़ें करते रहो, तो वो आपका अपना घर है। जैसे ही आप लोगों ने अपने लिए कुछ बातें निकाल दी, अपनी सपोर्ट के लिए अपनी तरफ से कोई भी चीज़ कर दी, तो वहाँ पर तुम हो जाते हो फिर रॉन्ग, गलत। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होता, अपना घर ही अपना घर होता है मायके में। अब किसी और की क्या बात बोलूँ, अब मेरे को ही देख लो भाई, शादी हो गई चले गए हम लोग वहाँ पे, मेरा सारा सामान हर चीज़ ले, हमारा घर मेरा घर, तो अब काहे का मेरा घर रहा, सारी चीज़ें कौन वहाँ पूछने आ रहा है, कोई पूछने आया। तो भाई मैं तो नहीं मानती कि मैं अपना घर मायका होता है शादी के बाद भी, अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, किसी की कोई हिम्मत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ से मुझे निकाल रहा हो कि नहीं जी नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहे, कौन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं करता। तो मायके वाला ही अपना घर होता है, ससुराल वाला तो मेरे हिसाब से कोई घर वर नहीं होता, वो कुछ होती है और कुछ क्या वो भी जब भी होती है, वरना आप अपने दिमाग से ये सोचिए, अगर आपने आज ही एक शब्द अपने लिए उठाया, अगर या फिर सच बात बोल दी ना, जो सही है उसके बारे में बात बता दी, तो वहीं तुम गलत हो, वहीं आपका पत्ता साफ है। अगर आप अपने बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में या किसी के बारे में भी अगर सच बोल दोगे ना, वही कड़वा है वही गलत है, कोई भी चीज़ हो। मेरे साथ ही वही हुआ, मैंने उन लोगों की सच्चाई बताई सबको, तो मैं गलत हो गई, उनकी हरकतें बता दी, उनकी सच्चाई बता दी, सभी के आगे सच्चाई रख दी, जो उनकी कमियां थी गलतियां थी बता दी, तो भाई मैं गलत हो गई। अब झूठ में तुम कितना भी बक बक करो, मेरे में 100 कमियां निकालो, तो झूठ का तो मुंह कभी पकड़ा नहीं जाता, तो झूठ का कोई
पैर नहीं होता, जितना चाहे आप बोल सकते, कितना भी बोल दो, कितना भी उसको सामने वाले को उल्टा सीधा गाली गिरा सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई आपका मुंह नहीं पकड़ सकता। लेकिन जो उसके बारे में सच जानता है, सच सारी चीज़ें हैं, तो उसके आगे तो तुम्हारा झूठ चलने वाला होता ही नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सच बात है। तो मैं अपनी जगह सही हूँ और मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही मैंने कुछ गलत किया, सच का साथ दिया। सच जो चीज़ें थी वो सबको आईना उसका दिखाया, लेकिन दिखाने का नतीजा ये रहा कि हम पर ही वो उल्टा पड़ गया। लेकिन कोई नहीं, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। हमारे ठाकुर जी ने भी भोग लगा लिया है, तो ठाकुर जी ने खा लिया है, मैं दे देती हूँ अब दिव्या उसको उठा के। यहाँ से भोग जलने वाले जलते रहो, महादेव अपने साथ रहने चाहिए। सच का साथ दो, केवल मैं सिर्फ यही जानती हूँ, हमेशा सच का साथ दो। अगर हम सच्चे हैं तो हम हमेशा हैप्पी रहेंगे, स्माइल के साथ रहेंगे। अगर हम गलत हैं तो हमें दुख मिलेंगे और हम हमेशा रोते सोते दुखी ही रहेंगे। और कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास तो होता ही है। दूसरों के आगे आप कितना भी बड़े बन लो, कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में गिल्टी फील होती रहती है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो भाई जो गलत है उसको एहसास तो होना ही होता है। मैं अपनी जगह सही हूँ, इसलिए मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। देखो मोटी होती जा रही हो दिन पर दिन, पहले कैसी थी और अभी देखो। तो बस यही चीज़ें होती हैं। तुम चाहे कितना भी किसी के आगे, मेरे आगे, मेरे बारे में कितना भी गलत बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो मेरे को सच में जानता है, सच में जानता है बिल्कुल मैं कैसी हूँ क्या नहीं हूँ, तो उसके आगे तुम कितना भी झूठ बोलो वो चलने वाला है नहीं, कुछ भी कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और बाकी का खाना मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, सभी लोगों को खिला देती हूँ, फिर देखते हैं बाद में, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मेरे फिर इसमें भी दर्द होने स्टार्ट हो जाता है।